वेलकम बैक भालो, आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के इस छोटे से वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारे पास एक न्यू ब्रांड Xiaomi CIVI। तो आज के इस वीडियो में इसे करके अनबॉक्स आपको बताएंगे, अनबॉक्सिंग का फुल रिव्यू कैसा है, कुछ फोन क्या हमें बॉक्स में मिलता है, कैसा कुछ क्वालिटी है, क्या है न्यू फीचर्स इसी फोन में। जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें सबसे पहला हमें मेन फीचर देखने के लिए मिला है, न्यू चेंजेस जो देखने के लिए मिला है वो है डायनेमिक आइलैंड। दुनिया का एंड्रॉइड फोन में सबसे पहला ये फोन है डायनेमिक आइलैंड के साथ। तो चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट, इसे करते हैं अनबॉक्स, आपको बताते हैं पूरा रिव्यू कैसा है फोन, क्या बाय करना चाहिए, सारा कुछ पूरा डिटेल में बात होगा आज ही के इस वीडियो में। चलिए इस धमाकेदार वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का है प्रीमियम सा फोन यही Xiaomi का। तो फिलहाल बॉक्स हमें कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिल जाता है इस फोन का। सामने के साइड है, राइट के साइड में है कुछ लिखा हुआ Xiaomi CIVI फोन का मॉडल, एंड लेफ्ट साइड में भी यही लिखा हुआ है। सामने के साइड है इसकी ब्रांडिंग, नीचे के साइड है कुछ QR कोड डिटेल्स एंड कितना का वेरिएंट है, क्या कुछ है, सारा कुछ ही EMI नंबर। एंड फिलहाल बॉक्स को करते हैं ओपन, कुछ इस प्रकार का है बॉक्स इस फोन के लिए। तो बॉक्स को हमने ओपन किया तो सबसे पहले हमें एक छोटा सा बॉक्स देखने के लिए मिला जो कि इस तरह का कुछ है। फिलहाल इसे रखते हैं साइड में, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले प्यारा दुलारा फोन हमारा देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है। रैपर को रिमूव कर लेते हैं, रैपर को हटा लेते हैं। भैया रैपर को हटाते ही क्या शाइनिंग है यहाँ पे, आप देख सकते हैं फोन एकदम से प्रीमियम। और ये जो लाइनिंग है ये बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि लाइनिंग यहाँ पे डिजाइन किया हुआ प्लेन है, बट इस तरह के लाइटिंग, इस तरह के आप शेडोज में जाइएगा तो आपको ये लाइनिंग देखने के लिए मिलेगा। भैया फोन पीछे से कुछ ऐसा लुक देता है कि एक फोन का लुक देता है जो कि काफी प्रीमियम सा है। वेट की बात की जाए तो 172 हमें देखने के लिए मिलता है। काफी लाइटली फोन है, काफी हल्का सा फोन है। एंड डिजाइन भैया मुझे तो बस जब से फोन आया है डिजाइन ही देख रहे हैं, इसका बैक पैनल ही देख रहे हैं। फिलहाल फोन को करते हैं पावर ऑन, देखते हैं क्या कुछ हमें मिलता है आगे। इसके फीचर्स यहाँ पे बात की जाए तो काफी बढ़िया से ओपन हो रही है, उसे होने देते हैं ओपन। आगे देखते हैं बॉक्स में हमें आगे दिन जाता है एक अडेप्टर जो कि कुछ इस प्रकार का है। बाकी यहाँ पे हमें टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, सिम इजेक्टर टूल इस बॉक्स को ओपन करने के बाद, और कुछ किताबें एंड एक केस जो कि हमें इस बॉक्स में मिलता है। फिलहाल इसे रखते हैं साइड में। तो हमारा आ चुका है मेन फोन, यहाँ पे मैंने सेटअप को भी कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल आप देख सकते हैं सामने से फोन कुछ इस प्रकार का देखने के लिए आपको मिल जाता है। यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम डिस्प्ले है जो कि गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, एमोलेड डिस्प्ले है, तो आपको ये काफ़ी मस्त लगेगा। एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड जो कि आप देखो इस फोन के मेन इस फोन में वही हमें सबसे पहले और ख़ास देखने के लिए मिला है डायनेमिक आइलैंड, जो कि आप देख सकते हैं नोच काफ़ी पतला है। बात की जाए नोच की तो वो काफ़ी पतला हमें देखने के लिए मिला है जो कि इस डिस्प्ले को और भी शानदार बनाता है। तो फिलहाल हम लोग करते हैं आगे टेस्ट क्या है कुछ इसमें और भी। तो भैया फोन तो बाहर से काफी प्रीमियम सा है, बाकी अंदर झांकते हैं देखते हैं कैसा है अंदर का प्रोसेसर एंड कुछ है, किस प्रकार का इस फोन का रिएक्शन है। बात की जाए डिस्प्ले का तो 6.55 इंच का 1080p डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। एमोलेड डिस्प्ले है, 120Hz पे काम करता है एंड HD7Gen1 का प्रोसेसर। रैम रोम आप देख सकते हैं मेगापिक्सल, यहाँ पे हमें 50, 20 एंड 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो 32+32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों पीछे में है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम काफ़ी स्लिम वाला फ़ोन है। आप देख रहे हैं खुद नीचे का है स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, USB माइक एंड हमें और बाकी कुछ नहीं मिलता है। लेफ्ट की साइड बात की जाए तो सिम इजेक्टर टूल स्पेस, नीचे के साइड भी हमें सिम इजेक्ट मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल सिम ट्रे है, ऊपर के साइड है माइक एंड एक इंडिकेटर। बात की जाए यहाँ पे गेमिंग की तो काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। फिलहाल और भी गेम हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, लाइव आपके सामने यहाँ पे गेम को खेलूँगा और बताता हूँ आपका लाइव
एक्सपीरियंस कैसा है, कुछ गेम कैसा चलता है इसी फ़ोन में, हमारे शोमी के इस न्यू वाले फ़ोन में। तो भाई ये यहाँ पे उड़ाते हुए तो चल रहे हैं, तोड़ते फोड़ते काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है, लैग हमें यहाँ पे कहीं नहीं देखने के लिए मिल रहा है, एक ज़रा सा भी नहीं। बातें करते हैं आगे, बातें करते करते खेलते हैं लॉन्ग टाइम गेम, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं आया, फ़ोन तक हिट नहीं हुआ है, एक भी प्रॉब्लम इसमें नहीं देखने के लिए मिला है। आगे बात की जाए तो यहाँ पे मीडिया की बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया हमें पिक्चर क्वालिटी वगैरह देखने के लिए मिल जाता है डिस्प्ले का, जो कि काफ़ी यूनिक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना मेगापिक्सल तक का सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप लाइटिंग वगैरह भी देख सकते हैं, जो इसका इस डिस्प्ले का जो लाइटिंग है ऑफकोर्स काफ़ी मस्त है। आप खुद देख रहे हैं क्या क्वालिटी, क्या प्रीमियम क्वालिटी हमें देखने के लिए मिला है। बात की जाए आगे यहाँ पे इसके बारे में, इस फ़ोन में तो हमें सबसे पहले मस्त लगा डिस्प्ले, बाकी जैसे ही फ़ोन खोला है वो सब मस्त लगा है। इसकी अंतुतु स्कोर की बात की जाए तो 5 लाख प्लस हमें अंतुतु स्कोर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। बाकी आप डिटेल और भी डिस्प्ले पे देख रहे हैं। बात की जाए यहाँ पे और भी फीचर्स को तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया हमें सारा कुछ देखने के लिए मिल जाता है फीचर्स इसी फ़ोन में। बाकी आप हाईलाइटेड स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए आगे कैमरा सैंपल की, यहाँ पे मैं कुछ कैमरा सैंपल बैक एंड फ्रंट से भी लिया हूँ, जो कि आपको दिखाते हैं, जो कि हमें 50 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल का ट्रिपॉड रियर कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम है, वीडियो क्वालिटी एक नंबर है, वीडियो क्वालिटी में कलर है एकदम मस्त देखने के लिए मिला है सबसे पहला, और मुझे काफ़ी प्रीमियम सा लगा इसका वीडियो क्वालिटी एंड काफ़ी मस्त है कैमरा क्वालिटी भी है, जैसा कि आप खुद लाइव देख रहे हैं काफ़ी मुझे मस्त लगा कैमरा। भैया जो इसका कैमरा है सेल्फी कैमरा वो भी काफ़ी दमदार है। बात की जाए इसकी बैटरी की तो हमें इसमें 4500 mAh का पावर बैटरी देखने के लिए मिल जाता है, कोई मतलब कह नहीं सकते भैया इस फ़ोन को एकदम हटके है, यूनिक है, काफ़ी मस्त है, मैंने खुद यूज़ किया गेमिंग के मामले में, कैमरा के मामले में, भैया डिस्प्ले के बारे में क्या बोलें, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम है। हैंडेड मैं इस फ़ोन को देना चाहूँगा, आप भी इस फ़ोन को हैंडेड दो और बाय ज़रूर करो, एक बढ़िया फ़ोन लेना है तो। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा आपको ये फ़ोन मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, ऐसा करते काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक कमेंट ज़रूर कर देना फ़ोन कैसा था। फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परचेज लाइक है ये फ़ोन, और सबसे बड़ा फीचर जो कि है डायनेमिक आइलैंड, इसके लिए ये फ़ोन काफ़ी सेल होगा, तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर्स है, ये भी मतलब ऐसा नहीं है कुछ दे दिया है उठा फटा के, बढ़िया सब फीचर्स है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाइक कर सकते हैं। वीडियो कर दीजिएगा शेयर ताकि जिन्हें नहीं पता है इस फोन के बारे में वो भी जान पाए और अनबॉक्सिंग भी देख पाए। बाकी वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।